बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगारी रैली निकालने वाले थे, लेकिन कोरोना के संक्रमण और तमाम जो कोविड के गाइडलाइन थे उसके कारण वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो गया है। आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद पाबंदियां जो है वो हटा दी गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि बेरोजगारी रैली हम कब करेंगे। पूरे बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अच्छा लगता है कि आप लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, तो कहते हैं इससे एनडीए को फायदा होगा? कब से शुरू होगी बेरोजगारी यात्रा? बिहार में सब कुछ खुल गया है, आज से सभी पाबंदियां खत्म हो गई है। आज अब हम लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन का बैठक होगा और हम लोगों का था ही कि भाई जब सारी पाबंदियाँ खत्म हो जाएंगी कोरोना की और मकर संक्रांति के बाद थोड़ा मौसम भी ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद जो है हम लोग सब जगह बैठ करके, क्योंकि हम लोगों को बेरोजगारी को लेकर के जो रैली जो है वो लड़ाई जो है उसको हम लोगों को लड़ना है, करना है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। सवाल है सर, 60 लाख रोजगार देने की बात हुई, इस बार जब बजट पेश हुआ है आप भी बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि अब जब 60 लाख रोजगार देने की बात की है केंद्र सरकार ने, भरोसा होगा देश को, युवाओं को? देखिए कोई बिहार में भी क्या बोला गया, 19 लाख जो है रोजगार दिया जाएगा, क्या अब तक मिला? और 2014 में कहा गया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार मिला नहीं बल्कि लोगों का छीना जा रहा है। आज देखे लाठी डंडा जो है, जो बेरोजगार लोग अपने अधिकार को मांगने आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, केस मुकदमा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये एक तो बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और किसी को भी मौजूदा सरकार से, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, किसी को भी भरोसा इस मौजूदा सरकार से नहीं है, उम्मीद खो बैठे हैं लोग। और कितने बार लोग ठगे जाएंगे, अब सब लोगों की असलियत जो है सामने आ चुकी है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में सब कुछ जो है वो तय कर लिया जाएगा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 60 लाख रोजगार देने की बात की है, इतनी बड़ी बेरोजगारी देश में है, ऐसे में तेजस्वी यादव अब हर गाँव हर जिले का दौरा करेंगे और बेरोजगारों को मनोबल देंगे और साथ ही साथ उनकी आवाज़ों को बुलंद करने का काम करेंगे। तो इसको मिलता है, देखते रहें लाइंस बिहार। नमस्कार।